नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं आजाद वीआईपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के मछीसर थाना क्षेत्र के एक गांव में। मेरे साथ यह जो शख्स मौजूद है, इनका 19 तारीख को बारात गई थी लेकिन बिना दुल्हन की बारात लौट गई वापस। आखिर क्यों लौट गई, क्या कारण था, ये दूल्हे से हम पूछेंगे। और इनका कहना है कि दूल्हे के जो दुल्हन के जो घर वाले हैं गहना को लेकर कुछ विवाद किए थे, इनसे कुछ लिखा पढ़ी कराया गया था। अब जानने का प्रयास करते हैं आखिर बिना दुल्हन के दूल्हा कैसे वापस आ गया। आप देखिए देखिए, सब पूरा तैयारी से गए थे। अब जानने का प्रयास करते हैं। इनकी 19 तारीख को बारात गई थी, आप देख सकते हैं शादी का कार्ड है, पूरे बैंड बाजा के साथ गए थे। और लड़की के जो घर वाले थे, जो दुल्हन के घर वाले थे, उनका डिमांड था कि हमारे घर पर कुछ रंगारंगम कार्यक्रम होना चाहिए। उसी के संदर्भ में ये भाई साहब लोग आर्केस्ट्रा लेके गए थे। ये रात भर आर्केस्ट्रा देखते देखते सो गए, इनको पता नहीं चला कि ये सोचे कि दुल्हन के घर से बुलाया जाएगा, लेकिन दुल्हन के घर से कोई नहीं बुलाया और ये आर्केस्ट्रा देखते देखते सो गए। अब पूरी जानकारी लेते हैं। इनकी बारात गई थी मीरगंज थाना क्षेत्र के भटहर ग्राम सभा है, वहीं एक चौथान करके पुरवा है। पूरा जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम राम अकबाल है सर। राम अकबाल, क्या मामला था और पेपर में जो छपा हुआ है कि बिना दुल्हन की बारात लौट आई, दूल्हा वैसे खाली चला आया? हम तो पेपर में करवाए नहीं थे, लेकिन फेसबुक पे अपना चला गया है तो, लेकिन अब इस बात का अब वो लोग जान गए जब मीडिया वाले आए हैं है? तो ये पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं साफ साफ सा ये है कि वहाँ पे गए तो पहले शादी वहाँ पे ये आपका जो जयमाल सिस्टम था सब संपन्न हुआ, सब खाना भी खाया गया, इसके बाद आर्केस्ट्रा भी चालू हो गया, फिर शादी का वो निकालने लगे शादी का करने के लिए। तो हम लोग कपड़े वपड़े ले गए, सब दिए, गहना भी दिए, तो गहने कहें कि ये तो छिन्न भिन्न करने लगे। फिर इसके बाद फिर बोले कि अरे भाई ये तो चुनरी में दाग लगा हुआ है, हैं दाग दागी है, मतलब कई कई तरह के बहाने उन लोगों ने ढूंढने लगे हैं। तो इसके बाद फिर बाद में सुलह समझौता होने, प्रधान जी भी आए सुबह में, तो सुलह समझौता उन्होंने को समझाने लगे कि भाई गहना तो उनका ही है, जो देंगे उनका ही है, सब कुछ है, तो इसमें क्या विवाद है, आगे पीछे सब बन जाएगा। लेकिन प्रधान जी की भी बात नहीं माने, उन्होंने बोले कि नहीं भाई हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर बोले कि तब भाई क्या होगा, तो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग तीन चार आदमी सब बचे हुए थे, तो अपना अगर कोई बात भी छेड़ते थे रात में तो गाली गफड़ देते थे, और इसके बाद डंडे लाठी से बात करते थे। इसकी वजह से हम कहे कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाई चलो कोई बात नहीं, अपना स्टाम्प पेपर मंगवाए, वैसा अपना वो नहीं लगा था, यानी कि लिखा पढ़ी कराए। हाँ, लिखा पढ़ी करवाए कि हाँ हम आप हम और आप समझौता करते हैं। हाँ, हम आप समझौता करते हैं कि जो तुम गहना ले आए हो और कपड़े लाए हो अपना ले जाओ, और गाड़ी जो दिए थे तिलक में अपना वो गाड़ी भी ले लिए। हम लोग फिर चल हाँ ज़बरदस्ती, इसके बाद फिर हम लोग अपना चले आए, चले आए तो मीडिया वाले आ गए हैं, अब उनको मैं बयान दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप बारात लेके गए थे, आपके दामाद भी गए थे, आपके रिश्तेदार और लोग आए होंगे। हाँ सर। तो जब बिना शादी किए आपका बेटा जब लौट रहा होगा, आप बारात लेके लौट रहे होंगे, तो वो लोग भी कह रहे होंगे मजा ले रहे होंगे। हाँ मजा तो ले ही रहे होंगे, लेकिन उनका भी क्या बेइज्जती नहीं हुई। लेकिन बता रहे आपका जो दामाद, जो दामाद आपके तीन जो दामाद गए थे, उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। हाँ, वो अगुआ भी थे, उनको मित्र भी थे, लेकिन और उनके भी मतलब कोई बात ऐसे गाली गफड़ देने लगे। चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं साहब कि शादी लड़की हमारे घर पे आवे। हाँ, हमारा जो खर्चा हुआ नुकसान हुआ उससे हम नहीं, हमारा 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया था, लेकिन हम फिर भी सहमत हैं कि लड़की हमारे घर आनी चाहिए। आपका सीधा सीधा कहना है कि लड़की हमारे घर आ जाए, जो हुआ सो हुआ। ये लड़के के पिताजी हैं, ये लड़का है जिनकी बारात थी गई थी, ये बारात गई क्या दिक्कत थी, या तो लड़की साहब की बातचीत होती थी कुछ की कुछ कहा सुनी को भी कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव राव है। राजीव राव जी, ये बताइए जब बारात लेके वहाँ गए थे तो स्टेट आपका बरोबर हुआ, वहाँ जयमाल साहब की शादी जो होना था हुआ, उसके बाद क्या हो गया कि दुल्हन आपके पास नहीं आया, वापस से खाली चले आए?
मैं तो जयमाल किया, लड़की के साथ था, लास्ट तक था। जब लड़की वहाँ से गई फिर मैं वापस आया, मैं वहाँ जनवास में बैठा। इसके बाद जो है कि मैं बैठे बैठे नींद आने लगी। मैं बोला चलो कोई बुलाएगा तो जाएंगे शादी करने के लिए, कोई आया ही नहीं। तो जब मेरा नींद खुला 4 बजे, तब मेरे जीजा आए। तो मैं जीजा बात क्या हुआ, बुलाया नहीं मुझे क्यों कोई, तो उनके आँखों में आंसू आ गया। तो मैं समझ गया कोई बात हुआ है या झगड़ा उगड़ा हुआ हो। तब बात चला, वो लोग बोल रहे हैं गहना हार नहीं लाए हैं। इसके बाद फिर बोल रहे हैं चुनरी में दाग है, वो बाहर निकाल के फेंक दिए। यही सब सुन रहा हूँ। तो इसके बाद अब उसमें क्या बोले, अब कि हम लोग झगड़ा कर नहीं सकते हैं। वो लोग जो भी बोले हैं वो लोग अपने ही मनवाने के लिए अपने ही बात रख रहे थे। जैसे किस बात को लेकर ऐसा आपको लगा कि शादी में तकरार पैदा हो गया और शादी नहीं हुई? कुछ तो अंदरूनी बात हुई होगी, या तो आपकी लड़की जिससे आपकी शादी पड़ी थी, बता रहे हैं उसका नाम पूजा है, उससे आपने कुछ पूछा है? ऑडियो में भी आप बात कर रहे हैं, आपकी बात वो भी रिकॉर्ड कर रही है, आपसे जो आप उससे पूछ रहे हैं वो भी आपको बता रही है। तो आपको क्या लगता है, परिवार का दबाव है या तो कुछ और बात है? ये परिवार का दबाव ही है, क्योंकि लड़की से बात की है, उसने कोई गलत व्यवहार नहीं रखा। जो भी मैं बोला वो स्वीकार किया। वो बोल रही थी मेरे द्वार पे आना चाहिए, तो मैं बोला द्वार पे तुम्हारे कैसे आ जाए, हमारे पिताजी अभी मेरे बड़े जीजा सब वहाँ खड़े हैं, 3-3, 4-4 जने और रिश्तेदार, 1-2 बुजुर्ग हैं, सब खड़े हैं, तो उसमें हमारी क्या ज़रूरत है? अगर आपको बुलाना था तो आप, मेरा भी फ़ोन वहाँ छूट गया था, मैं फ़ोन वापस फ़ोन किया तो लोग बोल रहे हैं आओ अपना फ़ोन भेज दो किसी को ले जाए। तो मैं आपके उसके द्वार पर कैसे जा सकता था? अगर वो पहले ही प्रेम से बात बोल दिए होते तो मैं भी कोशिश करता जाने के लिए। कितने दिनों से आपकी बात होती थी जिससे आपके साथ शादी पड़ी थी, उससे दुल्हन के साथ, पूजा के साथ, कितने महीने से आपकी शादी पड़ी थी उनके साथ? 5-6 महीने से उससे बात कर रहा हूँ। बात 5-6 महीने? तो ऐसा आपको लगा नहीं कुछ उनके साथ भेदभाव से? कुछ नहीं, रात में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे हरदम फ़ोन करता था। मैं उससे पूछता था अभी, मैं भाई तेरे साथ मैं थोड़ा गरीब हूँ, कोई बात हो तो बोल देना। उसने लास्ट में बोला तुम प्लेस्टर करा दो, मैं उसी घर में रह जाऊँगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, जहाँ रखोगे मैं वहीं रखूँगी, इतना उसने बात बोला है सब। मैं उसके लिए प्लेस्टर कराया, पेंट किया, बाथरूम बोली बाथरूम बनवाया। अब एक गरीब इंसान क्या कर सकता है, अकेला इंसान। मतलब शादी के पहले ही होने लगी कि ये करवा दो वो करवा दो, आप तब पर भी उसको करवा दिए कैसे भी किया मैंने किया। तो आप चाहते क्या हैं? हमें लड़की चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके धन दौलत से हमें मतलब ही नहीं, हमारे दम है हम खिला लेंगे। जब चुनरी आप ले रहे थे उसमें दाग लगा था कि नहीं लगा था? नहीं, सब सील पैक था। अभी जो दुकानदार है मैं उससे भी बात करा सकता हूँ, वो तुरंत वापस किया बोलता था। अब हम लोग बोले भाई अब इसमें सील पैक है, उसमें कहाँ मालूम है। कितने बजे मामला बिगड़ गया शादी का? वही 3:30-4 बजे के बीच में। तो आर्केस्ट्रा आप अपने मन से किए थे कि उनके घर वाले करवाए? नहीं, वो लोग बोल रहे थे हमारे घर पे कोई ना कोई फंक्शन आना चाहिए, आर्केस्ट्रा का नाम नहीं लिए थे, नौटंकी ले जाते, आर्केस्ट्रा ले जाते, दो में से एक होता। वो लोग हम लोग अच्छा समझे, चलो भाई बारात जाएंगे, थोड़ा रात रुकेंगे, इंजॉय करेंगे लोग अपना, फिर चले आएंगे। तो हम लोग आर्केस्ट्रा कर ले गए, उनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। जिस तरीके से आप फ़ोन में बात कर रहे हैं उससे, रोए नहीं है, बाकी सब कुछ हो गया, तो आप इतना भावुक क्यों हो गए थे? भावुक इसलिए हो गया था, इतनी बड़ी इज्जत चली गई, नात रिश्तेदार सब रोने वोने लगे, हमें भी आके हमें तकलीफ़ हो रहा है। अब किससे क्या बताएं, अब औरत तो है नहीं, चलो रो रो के चारों तरफ बताएं, आदमी है अंदर ही रोएंगे, बाहर तो रो नहीं सकते हैं। रोने में भी एक शर्म होता है, एक लिहाज होता है। कोई आपको किस बात को लेकर कुछ आपको जानकारी हुआ होगा किस बात को लेकर रिश्ता में तकरार पैदा हो गया? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई समझ में आता तो बोल देना। अब वो लोग 1 घंटे के अंदर एक्शन ले रहे हैं, तुरंत बोल रहे हैं शादी नहीं करूंगा, गाने में प्रॉब्लम है, चुनरी में प्रॉब्लम है। अभी तो स्टेज 2-1.5 बजे तक हुआ तो सब अच्छे अच्छे से हुआ, सब हंस बोल रहे थे हमसे, लड़की भी हमारे साथ थी, सब कुछ था, उसके घर परिवार के बहन भी सब भी हंस खेल रहे थे, सब जयमाल डाल रहे थे। अब इसके बीच में क्या हुआ, अब वो लोग वही बता सकते हैं, कोई बात ही नहीं मान रहे, अपना ही बात डंके की चोट पर रखवा रहे हैं, तो हम उसमें क्या बोले। पेपर में निकला हुआ है अभी आपका ये जो घटना घटी है, वो पेपर में भी निकला, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं तुम लोग डलवाए हो, हम कहे बोले भाई जो पेपर जहाँ छपा है तुम वहाँ जा पता करो, अगर हम लोग का नाम आता है तो भाई हम लोग खड़े रहेंगे, भाई हमारी गलती है, जब हम लोग किए ही नहीं, घर से हम लोग फुर्सत नहीं पा रहे, घर वाले सब रोग आ रहे हैं, तो उसमें हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे पेपर में छपा। अच्छा, आप तो शादी आपका तो वहाँ हुआ नहीं, बिना दुल्हन के आप चले आए, अब क्या दुल्हन को स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ, स्वीकार करना चाहते हैं, हमें वही लड़की चाहिए, दूसरे कोई नहीं, क्योंकि 5-6 मान लीजिए लड़की आपके यहाँ नहीं आई, नहीं आ पाई, जो आपका नुकसान हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? हमारा जो नुकसान हुआ है, आने जाने खर्चा सब हमारा जोड़ के दे दें, बस उतना ही है।
शादी तो आप तो नकारे नहीं है। नहीं शादी हमने कुछ नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार आज भी हम इनकार कर रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, जो दिया है वो भी वापस ले ले। आज भी तैयार है शादी करने? आज भी, अभी हम कहे गए थे एक घंटे के अंदर उसके घर पे जाऊंगा लड़की लेने के लिए। माता जी जैसे दुल्हन नहीं आई, आप लोग पूरा घर को एकदम सजा के रखे थे, इंतजार हो रहा होगा कि सुबह मेरी बहू आ रही है और उनकी बहन जो है जो आपकी जो बेटी वो भी इंतजार कर रही है, भाभी आ रही है, लेकिन अचानक जब लोग ये सब आप घटना सुनते हैं तो आप लोगों को क्या महसूस होता कि आखिर घटना ऐसा क्यों घट गया? अब सुने पे तो घबराहट आई गई कि क्या हुई है का ना हुई है, बस यही बात बा। वो तो हम गई नहीं रही है, हमें पूछना चाहिए मेरी बहू आ जाए। जिस तरीके से आप महीनों से लेकर तैयारी कर रहे होंगे, तमाम समाम लाए, गाड़ी घोड़ा किए होंगे, उसके बाद आप रिश्तेदार को बुलाए होंगे, आपके जो तमाम गांव के लोग हैं जो सम्मानित वो भी आए होंगे, बारात में गए होंगे, और बिना दुल्हन को वापस लौट गए, तो आपको भी कुछ अजीब लग रहा हो? अजीब तो बहुत लगा, बहुत दुख भा कि लड़के आपस आएगी हमारे, अगर बहू नायत करे जा का कहे। जिस तरीके से आप लोग तैयारी किए थे सब बेकार हो गया? सब बेकार हो गया हमारे। क्या चाहते हैं आप? हम लड़की चाहते हैं। अब तो शादी नहीं हुआ, आप कैसे लड़की चाहेंगे? आप शादी तुम ले आओ उसको, हमारा लड़की की शादी हो जाए बस। आप मतलब उसी लड़की से आप शादी करेंगे, चाहे जैसे कोर्ट से भी हो जाए? कोर्ट से भी हो जाए। आप उनकी बहन हैं, आपकी भाभी आई नहीं, आप लोग सुबह इंतजार करेंगे भाभी अब आ रही होगी, लेकिन किस बात को लेकर टकराव पैदा हो गया? और आपके पति भी वहाँ गए थे, आपके पति के साथ भी बदतमीजी हुआ? जी जैसे 3 बजे वहाँ से फोन आए तो आदमी हमारे कहन कहा कि वहाँ जैसे गहना के लेके विवाद भवा, फिर चुनरी में दाग लगा हो, एक वजह से विवाद भवा, वो सब माने विद तैयार ही नहीं है, इतना हाथ बिनती सब कुछ जोड़त है फिर भी नहीं मानत हैं, और फिर गाली उल्टा सीधा बोलत हैं, बेजती करत हैं, कहत हैं हम शादी करबे नहीं करब, बहुत बहुत कोशिश कहें यहाँ तो 3 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक बहुत कोशिश कहें, लेकिन उसे भी माने नहीं। तब हमारे सबके मन में बहुत दुख हुआ कि जैसे भाई इतना सब कुछ खर्च खराबा कह के नहीं गए और लड़की आए ना शादी गाँव देश नाथ कबीला और सब हमारे सबके का कहें कहें कि नहीं इतनी बेजती भाई, लेकिन वहाँ कुछ भवो ना की है जौन गहना दे रहे हैं सब रिटर्न कह के नहीं वापिस कह दें, लड़कियाँ भी चला आए तब मन में तो दुख रहा करे, आ 2 दिन से ही हम सब पड़ा है अपने घरों भी नहीं गए। जयमाल लग गया, उसके बाद माला पड़ गया, उसके बाद कहाँ से मामला बिगड़ गया? मामला बस वही गहना देख के वो लोग भड़क गए कि जैसे था हार नहीं आया, गहना हल्का है, और फिर भी जैसे ये सब गरीब रहें तो कहाँ हैं हमारे साथे सटेन हैं, इनका सबको शादी से पहले जाने चाहत रहा ना कि लड़के वाले ऐसे हैं, सब कुछ जानत समझत रहे हैं, सब कुछ रहा मालूम रहा, लेकिन फिर भी ऐसे माना चला गया ना, इनका सब बात हमसे बेरखत चला गया, जाए दे जाए दे, लड़की लड़कियाँ पसंद हैं शादी हो जाए और हमें सबको कुछ ना चाहे। अब भी हम सब चाहते हैं कि लड़की लड़के के चाहे कोर्ट से शादी कर लें चाहे राजामंदी से शादी कर लें, लड़की हमारे घर चली आए, हमारे सबको जो इज्जत गई होकर कोई बात ना, लेकिन अब वो भी मान सम्मान बन सकत अगर लड़की हमारे सब घर चली आए। आपका भाई फ़ोन में गिड़गिड़ा रहा था, लड़की से बात कर रहा था, तब पर भी उनको कुछ कहे नहीं वो लोग? जी नहीं, वही अपना बात मनवा रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम लड़की जैसे वहाँ पर भेजेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे। अच्छा जब बातचीत होती थी जब शादी पड़ी थी तो कुछ कहा सुनी नहीं हुआ था? नहीं बीच में कोनो प्रॉब्लम ना रहे, सब कुछ अच्छे अच्छे से नहीं सब संपन्न होगी, वहाँ तो हम सब स्टेज पे जैसे वहाँ मौजूद रहे, सब कुछ एकदम सही से नहीं भवा, कोनो दिक्कत ना रहे, 2 बजे हम सब वहाँ से निकले उसके बाद सब ये सब बात भरा। फिलहाल इस वक्त मैं दूल्हे के घर पे हूँ, इनकी 19 तारीख को बारात गई थी सुबह बिना दुल्हन का, इनकी बारात लौट आई, लेकिन इनका सीधा सीधा कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ है। फिलहाल ये मीडिया के सामने तमाम तरीके से बयान दे रहे हैं और मैं आला अधिकारियों से निवेदन करूँगा इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए और दुल्हन के घर वाले अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जय हिंद।